नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, संगीत वाद्य विभाग, वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट, वाराणसी से। आज हम लोग सितार के अंगों का परिचय देखेंगे, जिसके अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सितार के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखेंगे एक तरफ आधा कटा हुआ तुम्बा है और ये पूरा तुम्बा है जो कि लौकी से बनाया जाता है। ये आप देखेंगे बनाने के पूर्व ये इस प्रकार से लौकियां होती हैं और इसे आधा काट करके सितार में प्रयोग किया जाता है और ये आकार में कुछ बड़े होते हैं। इस प्रकार इसको काटा जाता है और काटने के बाद ये अंदर से इस प्रकार इसके बीज निकाल करके इसके अंदर का सारा खाली करके और इसका प्रयोग फिर सितार बनाने में किया जाता है। इसके ऊपर रखी होती है तबली, जो आप देख रहे हैं ये तुम्बे के ऊपर ये पूरी एक लकड़ी की प्लेट है। ये एक तरीके से तुम्बे के ऊपर ढक्कन की तरह काम करती है ये, और उसी के ऊपर जवारी, मुख्य जवारियां, तरफ की जवारियां रखी होती हैं। और ये देखिए आप तुम्बे के ऊपर किस प्रकार से ये लकड़ी की प्लेट जो कि अंदर से चिकनी की जाती है और इसका पतलापन इतना रखा जाता है कि बहुत कमज़ोर भी ना हो और बहुत मोटी भी ना हो, एक बैलेंस में से पतला करके और इस प्रकार से तुम्बे के ऊपर रखा जाता है और इसको फिर गोंद से इसको इस पे चिपका दिया जाता है और इसी के ऊपर मुख्य जवारी तथा तरफ की जवारी की घोड़ी रखी जाती है। ये है डाण, डाण जो कि ये भी अंदर से खोखला होता है और एक लंबे लकड़ी के टुकड़े को अंदर से खोखला करके बनाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से खोखला किया जा रहा है और इसके ऊपर भी एक लकड़ी की पतली पटरी रखी जाती है जिसपे तरफ के तार गुजरते हैं। ये है गुल्लू, गुल्लू जो कि तुम्बे और डांड को जोड़ने वाला एक हिस्सा होता है जो कि गले की तरह होता है, जैसे हमारा गले का आकार होता है। ये देखिए किस प्रकार से तुम्बे पर गुल्लू को रखा गया है और इसी के ऊपर फिर डांड रख कर इसको कस दिया जाएगा। और ये सितार में दूसरे तुम्बे का प्रयोग, किस प्रकार से दूसरा तुम्बा लगा होता है और ये भी तुम्बा पूरा होता है, ये सिर्फ नीचे से खुला होता है इस प्रकार से, इससे भी सितार में गूंज की संभावना बढ़ जाती है। और ये सितार की मुख्य खूंटियाँ हैं, ये दो खूंटियों में चिकारी के तार कसे होते हैं और ये बाकी के पांच खूंटियों में मुख्य तार होते हैं। कुल सात खूंटियाँ, मुख्य खूंटियाँ होती हैं इसमें। और ये तरफ की खूंटियाँ हैं, इसमें तरफ के तार कसे होते हैं और इनसे तरफ के तारों को स्वरबद्ध किया जाता है। ये संख्या में 11 से लेकर के 13 की संख्या में होती हैं। ये लंगोट है जो कि सितार के घुड़ज के नीचे की तरफ लगा होता है, इसी में सभी मुख्य तार तथा तरफ के तार नीचे जाकर के हुक के साथ फंसाए जाते हैं। और ये तबली के ऊपर दो जवारियां हैं जिसमें से कि बड़ी वाली जो जवारी है उसे मुख्य जवारी तथा ये नीचे की तरफ जो जवारी लगी हुई है छोटी वाली, इसको छोटी जवारी या तरफ की जवारी कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि तरफ के तार होकर के जा रहे हैं। 11 से 13 की संख्या में कुल तरफ के तार इसमें लगाए जाते हैं और ऊपर की तरफ जो है मुख्य तार बड़ी वाली जवारी के ऊपर से जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जवारियाँ हैं जो कि तबली के ऊपर रखी होती हैं।
ये मन का है जो कि सितार में बारीक स्वर अंतराल को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक बाज के तार में और जोड़ी के तार में, और दो मन के ऊपर की तरफ लगे होते हैं आप देखेंगे, जिससे कि लरज खरज के तारों के स्वरों के बारीक अंतराल को कम ज़्यादा करके स्वरबद्ध किया जाता है। जैसे कि बजाते समय कभी थोड़ा बेसुरा होता है तो उसे इससे दूर किया जाता है। और ये है तार गहन। तार गहन जिसमें से कि तारों को गूह करके खूंटी की तरफ ले जाते हैं, ये आप देखेंगे ये हड्डी या हाथी दांत का बना होता है, इसमें से देख रहे हैं आप तार गूह करके गए हुए हैं अंदर छेदों से, और इसी के ठीक ऊपर ये अटी है जिसमें देख रहे हैं कि आप ये तारों को बांटा गया है एक बराबर बैलेंस में, जैसे कि आपस में वो लड़े नहीं। ये पर्दे हैं जो कि डांड के ऊपर कसे होते हैं, धातु के बने होते हैं ये, और 17 से 20 की संख्या में ये पर्दे होते हैं, और नीचे ये देख रहे हैं नाइलॉन के धागों से इसको कसा गया। ये तुम्बे पर एक नक्काशी लकड़ी की काट करके लकड़ी को नक्काशी की जाती है, जिससे सुंदरता इसकी बढ़ती है सितार की। ये देखिए किस प्रकार से इस पर नक्काशी की जा रही है, फिर इसको खराद करके सुंदर बनाया जाता है। चिकारी पोस्ट। सितार में चिकारी के दोनों तारों को ऊपर उठाने के लिए दो हड्डी के पतले टुकड़े होते हैं, जिस पे से चिकारी के तार गुजरते हैं, उसको उठाए रहते हैं वो। ये संख्या में दो होते हैं। ये देखिए किस प्रकार से इस पे से तार चिकारी का गया हुआ है। और ये तार है जिसमें कि आप देखेंगे बाज का तार है, और इसके बगल में जोड़ी का तार, लरज खरज और मंद्र पंचम, और दो तार चिकारी के हैं, और नीचे की तरफ छोटी जवारी से तरफ के तार गए हैं, 11 से 13 की संख्या में तार होते हैं। और पंडित रविशंकर जी ने इस हुक का प्रयोग अपने सितार में किया है, जिस ये इसलिए कि कभी कभी सितार बजाते समय लरज खरज के तारों पे कभी झाला बजाते समय या उसमें अधिक शोर की तरह एक राव सा पैदा होने लगता है, तो ये लरज और खरज के दोनों तारों को इसमें फंसा देने से झाले की जो ध्वनि होती है बहुत साफ आती है। तो ये पंडित जी ने इसको लगा करके इसका विकास किया। यह मिसराफ है जिससे सितार वादन किया जाता है। इसे दाहिने हाथ की इस उंगली में इस प्रकार से पहना जाता है, और इस प्रकार पहनकर सितार के तारों पर प्रहार करके इससे सितार वादन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह सितार के अंगों का पूर्ण परिचय इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। यह वीडियो मुख्य रूप से संगीत सितार वादन के BA प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है।